दिल्लीकडे शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा कूच करायला सुरुवात केली आहे। महामाया भागामध्ये सध्या शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी आहे। टिकरी सीमेवर बॅरिकेडिंग करत पोलिसांनी शेतकऱ्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केलाय। आपले प्रतिनिधी सोमेश कोलगे आपल्याला या सगळ्या मोर्चा संदर्भात शेतकऱ्यांच्या आंदोलना संदर्भात आणखी माहिती देतील। सोमेश कविता, आज ही शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे येणार अशी घोषणा केली होती, परंतु त्या अनुषंगाने दिल्लीतील अनेक रस्त्यांवरचं ट्रॅफिक बंद ठेवण्यात आलं होतं। अनेक रस्ते क्लोज केलेले होते। पोलिसांनी ट्रॅफिक दुसऱ्या बाजूनी वळवलेलं आहे आणि तरी सुद्धा आता जी माहिती मिळते त्यानुसार शेतकरी हे दिल्लीच्या सीमेपर्यंत पोहोचलेले आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या ज्या पूर्वीच्या ठरलेल्या मागण्या होत्या त्यामध्ये प्रामुख्याने MSP साठी कायदा करण्याची मागणी असो किंवा मग अधिकाधिक पिकांना MSP मध्ये कव्हर करण्याची मागणी असो, या सगळ्या मागण्यांच्या अनुषंगाने हा मोर्चा पुन्हा एकदा राजधानी दिल्लीकडे वळतोय असं कळतंय। आणि यामध्ये आता अनेक शेतकरी हे मोठ्या संख्येने दिल्लीच्या सीमेपर्यंत पोहोचलेले आहेत। ते अजून काही वेळात समजा दिल्लीमध्ये पोहोचू शकतील। प्रशासनाकडून पूर्ण प्रयत्न सुरू आहेत की या शेतकऱ्यांना दिल्लीपर्यंत न येऊ देता त्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच अडवावं। शक्यतो उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राज्यांमधील शेतकऱ्यांची संख्या या आंदोलन करणाऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने आहे। धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या सगळ्या माहितीबद्दल। मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी सध्या दिल्लीकडे रवाना झालेले आहेत। सध्या सीमेवर पोलिसांनी दिल्लीच्या अडवलेल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना बॅरिकेडिंग करण्यात आलेलं आहे। मात्र शेतकऱ्यांची संख्या प्रचंड मोठी आहे। हमीभाव मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांचं हे प्रामुख्याने आंदोलन आहे। आपण सगळ्यांनी पाहिलं शेतकऱ्यांच्या संदर्भात शेती संदर्भात करण्यात आलेल्या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी जवळपास 1.5 वर्ष दिल्लीच्या याच सीमा भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पंजाब आणि हरियाणा प्रामुख्याने या दोन राज्यांमधल्या शेतकऱ्यांचं मोठं आंदोलन झालं होतं। त्यानंतर पुन्हा एकदा शेतकरी आपल्या विविध मागण्यांसाठी दिल्लीकडे कूच करतायत। बॅरिकेडिंग करत सध्या तरी शेतकऱ्यांना अडवलं गेलेलं आहे। मात्र आपल्या मागण्या जर मान्य झाल्या नाही तर आंदोलन आणखी आक्रमक होण्याचा इशारा शेतकऱ्यांकडून दिला जातोय। ना पैसा मिल रहा, ना प्लॉट मिल रहा, ना वादे छोड़ रहे। क्या खावे, सड़क पर बैठावे, कटोरा लेवे, बच्चे ने क्या क्या लेवे। जो हमारे घर है जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे नोएडा ने वो कर लिया अपना कब्जा। हमारे घर भी नहीं, हमारे ना बड़े बूढ़े के घर ना आम है ना कुछ है, और खेती भी गई। हम बताओ कहाँ जाएंगे, किसान कहाँ जाएगा यूँ अभी तो। लेकिन आपको रोक लिया है, जो मुआवजा मिला हमें वो मिला 19 में हमें। आज तो हमारी मांग पूरी नहीं, सब जगह मोहर नहीं लगा दे रहे। लिख कर तो आगे पर मोहर नहीं लगा रही है। आगे जाकर नखलाऊ से भी उल्टा लियो हमारा कागज। तो क्या काम है जो उल्टा आ रहा हूँ भाई, हमको भी तो दो ना, किसान की भी तो सुनो। या सगळ्या आंदोलनामध्ये शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत, हे आंदोलन आत्ता कुठे थांबवण्यात आलेलं आहे, पोलिसांनी शेतकऱ्यांना कुठे अडवलं आहे, सगळ्या संदर्भातला आढावा आमचे प्रतिनिधी रवींद्र जयंत यांनी घेतलाय, बघूयात। गौतम बुद्ध नगर के किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज किसानों ने आह्वान किया था कि आज वो दिल्ली कूच करेंगे, तो इसको लेकर के अब हम भी परी चौक पर हैं। यहाँ पर जो दिल्ली जाने की तरफ जो रास्ता है, जो हाईवे है, वो पुलिस ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से जो है पुलिस तैनात की गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पर जो नोएडा जाने वाला जो रास्ता है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने पहले ही रूट डाइवर्ट कर दिया था, पहले ही 2 दिन पहले ही जो है एक आदेश जारी किया था कि इस हाईवे को 1 दिन के लिए जो नोएडा की तरफ जाते हैं उसे बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग हैं वो पैदल यहाँ से जो है गुजर कर जा रहे हैं। काफी लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ पर लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। देखिए तस्वीरों में दिखाएंगे यहाँ पर दूर तक, यहाँ पर जो है जो परी चौक पर लंबा जाम भी लग गया है। यहाँ पर देखिए कुछ। अम्मा कहाँ जा रहे थे आप लोग? जी जेवर जा रहे थे, बस नहीं मिली आपको। देखिए अम्मा है, इनको जेवर जाना था, इनको बस नहीं मिल पाई है। जी क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। जी कहाँ जाना था आपको? जेवर ही जा रहे थे। देखिये इनको जेवर जाना था, बस नहीं मिली आपको। अभी नहीं मिली। कितने समय से परेशान है आप? अभी 15-20 मिनट हो गए। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि इनको बस नहीं मिली है, ये लोग जो है यहाँ से पैदल जा रहे हैं। जी हमारे साथ और भी हैं, कहीं जाना था आपको? देखिए जी। ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट।